Hello, good morning and welcome to Mahabir Defense Academy by Prakash. जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अपना क्लास लंबे समय तक बंद रह गया और आगे भी कब तक बंद रहेगा इसका कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है. So, अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम ये निर्णय लिए कि अब ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट किया जाए जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है. आगे भी देखा जाएगा, आवश्यकता पड़ेगा तो ऑनलाइन स्टडी चलता भी रहेगा और ऑफलाइन भी स्टार्ट. आप सब लोगों को पता है न केवल भारत जबकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी के चपेट में है और सभी इसके निदान का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई इसका पुख्ता मेडिसिन प्राप्त नहीं हो पाया. चाय मेडिसिन की हेल्प से इसका उपचार हो रहा है. अब सब लोगों को पता है कि कोरोना वायरस का नाम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 11 फरवरी 2020 को COVID-19 नाम दिया गया. क्या आपको पता है COVID-19 का अर्थ क्या होता है? कोविड यानी को स्टैंड फॉर कोरोना, VI इज स्टैंड फॉर वायरस, D इज स्टैंड फॉर डिजीज. इन दिस वे कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019, इस प्रकार इसका शॉर्ट नाम हुआ COVID-19. एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य है कि हम अपने सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें और सच्ची राष्ट्रभक्ति घर पे रह करके दिखाएं. लेकिन घर पे रहने में भी हमें अपने समय का उपयोग करना है, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और समय समय पर एक अच्छे साबुन, डेटॉल, हैंड वॉश या सैनिटाइजर का उपयोग करते रहना है. लेकिन सैनिटाइजर के उपयोग में भी सतर्कता बरतनी है क्योंकि सैनिटाइजर में कुछ फ्लेमेबल लिक्विड है जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल. ऐसे लिक्विड युक्त वस्तु को यदि हम आपके संपर्क में लाएंगे तो जल्द ही आग पकड़ने की भी संभावना होगी. सो सावधानी पूर्वक उपयोग करें और बचे रहें और देश को सहयोग करें. घर पे अपने भी रहें, दोस्तों को भी रखें, दूरी बनाए रखें और अधिक से अधिक लोगों को हौसला दें कि कोई पैनिक ना हो. इससे डरने की आवश्यकता नहीं है. इससे भी बड़े बड़े महामारी आए और अपना रास्ता पकड़ के चले गए, एक न एक दिन ये भी जाएगा और भारत पुनः मुस्कुराएगा. घबराने की आवश्यकता नहीं है. हम लोग कल से अपने समय पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे. कल अर्थात मंगलवार से अपना पहला वीडियो बनेगा. जय हिंद.